कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कुलम्स लॉ से रिलेटेड हैं उसको समझ लीजिए, जो जेई मेन एडवांस और नीट में जो है इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज ए एंड बी हैविंग चार्ज क्यू, फुल स्टॉप, ए पॉइंट चार्ज क्यू हैविंग मास एम इज डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ए बी फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लाइन ए बी, लाइन ए बी के मिडिल से इस चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, दो चार्ज के बीच का सेपरेशन है क्या दिया है, डी इक्वल टू सेपरेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो पूछता है ए पॉइंट चार्ज क्यू हैविंग मास एम इज डिस्प्लेस अलोंग द लाइन ए बी फ्रॉम द मिडिल ऑफ द लाइन ए बी, अलोंग द लाइन ए बी फ्रॉम मिडिल ऑफ द लाइन ए बी, लाइन के मिडिल से, मिडिल मतलब बीच से, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पॉइंट चार्ज फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अगर एक्स डिस्प्लेस करते हैं एक्स इज लेस smaller than, अगर x डिस्प्लेस कर रहा है x का वैल्यू जो होगा d से बहुत क्या होगा, छोटा, सेपरेशन बिटवीन बोथ पॉइंट चार्ज फिक्स्ड पॉइंट चार्ज इक्वल टू, ठीक है, यही क्वेश्चन। क्या करेंगे, इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे इस डायरेक्शन, अभी चार्ज का क्या है, जितना फोर्स राइट लगे उतना ही फोर्स लेफ्ट लगे, क्योंकि यह डिस्टेंस रे डिस्टेंस सेम है ना, यहां से यहां का दूरी डी बाई टू, यहां से यहां का डिस्टेंस डी बाई मिडिल में है ना, तो जितना फोर्स राइट लगे उतना ही फोर्स लेफ्ट लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो रिजल्टेंट फोर्स इस पॉइंट पर क्या होगा, जीरो। तो दिस इज द मीन पोजिशन, मेन रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज इक्वल टू, अब इस पोजिशन से डिस्प्लेस कर दे राइट, राइट डिस्प्लेस कर दे, पिक्चर क्या बन जाएगा, अब एक पॉइंट चार्ज मीन पोजिशन यहां था, दिस इज द ओ, अब ओ से कहां गया, व्हाट इज कितना डिस्प्लेस करेगा मीन पोजिशन से, एक्स, ए डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, डी बाई टू माइनस एक्स, वे डिस्टेंस क्या होगा, डी बाई टू प्लस, क्योंकि यहां से यहां का डिस्टेंस आपका क्या है, डी बाई टू, और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, डी बाई टू, यहां से यहां का डिस्टेंस, दिस ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू पॉइंट चार्ज, दोनों चार्ज फिक्स्ड, अब ये चार्ज आप यहां ले आए, तब ये चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, फोर्स हो गया एफ पर, ए चार्ज इस पर फोर्स किधर लगाएगा, रिपल्सिव, लेकिन एफ वन बड़ा होगा एफ टू से क्योंकि दूरी कम गया ना, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, रेस्टोरिंग, यहां लिख सकते हैं x बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट चार्ज q अलोंग द लाइन ए बी फ्रॉम मीन पॉजिशन, कहां से डिस्प्लेस कर दिया, क्या हो जाएगा रेस्टोरिंग, एफ वन माइनस, एफ वन क्या होगा, के डी बाई टू माइनस एक्स का
डी वाई टू प्लस एक्स का कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे? इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? डी वाई टू माइनस एक्स माइनस टू माइनस डी वाई टू प्लस लिख लीजिए। अब जो है डी वाई टू कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? के क्यू थ्री डी वाई टू कॉमन लेंगे तो डी का पावर माइनस टू आ जाएगा, इसमें भी कॉमन आ गया तो क्या आ जाएगा? वन माइनस एक्स अपॉन डी वाई टू तो टू एक्स अपॉन डी का पावर कितना? माइनस माइनस माइनस, इसमें भी डी वाई टू कॉमन लिए तो पूरा बाहर आ गया, वन प्लस टू एक्स फोर का पावर कितना? माइनस। अब इसको नीचे ले आएंगे तो के क्यू क्यू डी क्यू बाई फोर ऊपर चल जाएगा ना, इक्वल टू हम बताए थे एप्रोक्सीमेशन वन प्लस माइनस एक्स पावर एक्स इज मच मच स्मॉलर देन वन, तो पावर क्या आ जाएगा कोफिशिएंट में? प्लस माइनस एन गुना एक्स, क्या? जब एक्स मच नहीं, यहां पर x का वैल्यू b से बहुत छोटा है तो x by b मच मच लेस देन 1 हो जाएगा, ये वैल्यू जो पूरा आएगा x से छोटा आ जाएगा, तो पावर गुणा लिख देंगे 1 प्लस माइनस द प्लस हो जाएगा माइनस, ये क्या होगा? माइनस 1 माइनस रूट x प्लस है यहां तो माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या होगा? एक्स वाई कट गया। अब हम क्या लिखेंगे? फोर के क्यू क्यू अपॉन डी क्यू डी स्क्वायर ना है जी, डी स्क्वायर ठीक है, फोर एक्स फोर प्लस फोर कितना? एट, क्या होगा? 32 k का वैल्यू रखिए 4 पाई ठीक है dq हो जाएगा। अब ये तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया, तो नाउ रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट इक्वल टू 8 अपॉन डी क्यू, क्या आ जाएगा? डी टू एक्स बाई अपॉन पाई गुना माइनस साइन, इतना तो कॉन्स्टेंट है ना, डी टू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर दिस इक्वेशन सो एस एच दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा इक्वल क्या लिखेंगे? रूट अंडर एट क्यू क्यू बाई क्यू एक्स बाहर रहेगा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इंटो टाइम पीरियड टाइम बराबर टी टी बराबर क्या आ जाएगा? टू पाई बाई ओमेगा, टू पाई ओमेगा को रखेंगे तो उलट जाएगा, तो पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एट इंटो क्या आ जाएगा? टू पाई को अंदर ले जाइए क्या आ जाएगा? फोर पाई स्क्वायर आएगा,
4 pi q epsilon naught square बट मतलब है ना स्क्वायर होगा तो पहले से पाई तो क्यों आ जाएगा हाँ दो चार आ गया कट जाएगा तो कितना आ जाएगा पाई क्यों अपॉन क्यू इंटो बस नहीं चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो था एसएचएम से रिलेटेड था जो एसएचएम का जो हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक तरह का क्वेश्चन जेई मेन एडवांस नीट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से क्या करता है रिलेट करता है जोड़ता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है खासकर जेई मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं जो कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से क्या करता है रिलेट करता है जोड़ता। तो अगर ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर देखते रहना है पढ़ते रहना है सीखते रहना है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सीखें पढ़ें जूझते रहें आगे बढ़ें।